नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नॉलेजेबल वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बजाज की न्यूली लॉन्च्ड पल्सर N150 की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही काम की होने वाली है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में इसको शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में आपको जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन दिख रहा है इसको भी आप ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली जो भी नॉलेजेबल वीडियोस है गाड़ियों से संबंधित वो आप तक समय समय तक पहुँचती रहे। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज या हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, बजाज पल्सर N150 को आज की यूथ के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले बात करें इसके कलर की तो इसमें आपको दो कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला इबोनी ब्लैक कलर और दूसरा पर्ल मेटलिक वाइट कलर, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की। न्यू बजाज पल्सर N150 को शार्प, एग्रेसिव और एरोडायनेमिक लुक के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत और स्पोर्टी भी लगती है। दोस्तों, इसके फ्रंट में आप देखेंगे तो इसमें आपको LED पैलेट लैम्प के साथ साथ आपको LED प्रोजेक्टर हेड लैम्प भी मिल जाते हैं, जो कि नाइट के टाइम में काफ़ी अच्छी सड़क पर रोशनी फेंकते हैं, जिससे आपको सेफ ड्राइविंग का अनुभव मिलता है। दोस्तों, परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर आपको 149.68 cc का BS6 2.0 एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है। पावर की बात करें तो इसके अंदर आपको 10.66 किलोवाट यानी 14.5 PS की पावर मिल जाती है 8500 RPM पे। और टॉर्क की बात करें तो 13.5 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाता है 6000 RPM पे। दोस्तों, फ्यूल सप्लाई की बात करें तो इसके अंदर आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी मिल जाता है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको न्यू इन्फिनिटी डिजिटल डिस्प्ले कंसोल मिल जाता है, जिसको पढ़ना और समझना काफ़ी आसान है और जो कि दिखने में भी काफ़ी स्पोर्टी दिखाई देता है। दोस्तों, इसके अंदर आपको क्लॉक, गियर इंडिकेटर, फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी और रियल टाइम माइलेज जैसे बहुत सारी डिटेल्स इस डिजिटल डिस्प्ले में आपको मिल जाती है। दोस्तों, कंफर्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको सिंगल लॉन्ग एंड वाइडर सीट मिल जाती है, जिस पर आप आराम से बैठ सकते हैं और सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी अगर बात करें स्टार्ट इंजन स्टार्ट करने की तो इसके अंदर आपको किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको इसके अंदर USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है और आप इसके अंदर आराम से अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सेफ्टी की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इस मोटरसाइकिल का। दोस्तों, इसके अंदर आपको ABS मिल जाता है यानी सिंगल चैनल ABS भी मिल जाता है। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको पास स्विच मिल जाता है और साड़ी गार्ड भी मिल जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में। तो अब बात कर लेते हैं डायमेंशंस और कैपेसिटी की। सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ्यूल टैंक की। दोस्तों, इसके अंदर आपको 14 लीटर यानी 14 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 यानी 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। साथ ही व्हील बेस की बात करें तो 1352 यानी 1352 mm का आपको इसके अंदर व्हील बेस मिल जाता है। गाड़ी की अगर कर्व वेट की बात करें तो इस मोटरसाइकिल का 145 kg का कर्व वेट इसके अंदर आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्रेक्स की। तो फ्रंट में आपको 260 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है, वहीं रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। साथ में आपको इसके अंदर सिंगल चैनल ABS भी मिल जाता है। सस्पेंशन की बात करें तो उसके अंदर आपको 31 mm का फ्रंट का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है और वहीं रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। दोस्तों, ड्राइविंग
टाइप की बात करें, ड्राइव टाइप की अगर हम बात करें तो चेन ड्राइव टाइप सिस्टम आपको इसके अंदर मिल जाता है। दोस्तों बात करते हैं अब इसकी टायर्स की, तो फ्रंट में आपको 90 बाई 90 का 17 इंच का एलो व्हील्स आपको टायर साइज मिल जाता है। वहीं रियर में अगर बात करें तो 120 बाई 80 का 17 इंच का एलो व्हील्स का टायर मिल जाता है, जो कि अब दोनों टायर आपको ट्यूबलेस टायर के साथ ही मिल जाते हैं। दोस्तों ट्रांसमिशन की बात करें तो इसके अंदर आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन मिल जाता है, जिसको यूज़ करना काफ़ी ही आसान है। दोस्तों वारंटी की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 5 साल या फिर 75,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिल जाती है। दोनों में से जो भी पहले कवर होगा वो इसमें एप्लीकेबल होगा। दोस्तों कॉम्पिटिटर्स की अगर हम बात करें तो इसका जो कॉम्पिटिशन है वो TVS की राइडर, TVS अपाचे RTR 160, बजाज पल्सर की ही NS 125, बजाज पल्सर N160 और यामाहा FZS F1 V3 जैसी बाइक्स के साथ किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं प्राइसेस की, यानी कीमतों की। इसकी एक्शोरूम कीमत 1,18,925 रुपये आकी जाती है। वहीं अगर इसकी LMJ जोधपुर राजस्थान में इसकी ऑनरोड कीमत की बात करें तो 1,37,915 रुपये इसकी ऑनरोड कीमत जोधपुर राजस्थान में आती है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप अपने नज़दीकी डीलर में जाके वहाँ पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बजाज की न्यूली लॉन्च्ड पल्सर N150 की सारी डिटेल्स जो मैंने आपके साथ शेयर की है। दोस्तों अगर आप जोधपुर या जोधपुर राजस्थान के आसपास कहीं भी रहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं LMJ सर्विसेज बजाज शोरूम में, जिनके एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो आप यहां पर विजिट करके अपना बजाज का कोई भी प्रोडक्ट आप यहां से परचेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई गाड़ी के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत